बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे से राजद के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव काफी मायूस हैं। लालू यादव बिहार चुनाव परिणाम आने के बाद ताजा राजनीतिक परिस्थितियों और गठबंधन की राजनीति में संभावनाओं की तलाश को लेकर अपने बेटे तेजस्वी यादव समेत अन्य नेताओं से भी संपर्क स्थापित करने की कोशिश की है। बहुचर्चित चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू यादव ने रांची में रिम्स निदेशक के केली बंगले से ही अपने सेवादारों के माध्यम से बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी की कमान संभाले तेजस्वी यादव को ये कहते हुए सांत्वना दी है कि तमाम विपरीत परिस्थितियों में भी चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन संतोषजनक रहा है। वहीं आपको बता दें कि लालू यादव ने कहा कि जिस तरह से बिहार विधानसभा में जनादेश आया है, ऐसे में एनडीए गठबंधन में शामिल बीजेपी, जदयू के अलावा दो अन्य दलों की भी महत्ता बढ़ गई है। ऐसी स्थिति में गठबंधन की राजनीति में संभावनाएं लगातार बनी रहती हैं। यूपीए फोल्डर को पूरी तरह से एकजुट रखते हुए भविष्य की राजनीतिक संभावनाओं और विकल्प तलाशने की कोशिश बरकरार रह जाती है। तो वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बिहार चुनाव परिणाम से लालू यादव के चेहरे पर छाई उदासी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। तो हालांकि हार के बावजूद तेज प्रताप और तेजस्वी की जीत से लालू यादव थोड़ी राहत जरूर मिली है। आपको बता दें कि हसनपुर से आरजेडी के तेज प्रताप यादव ने इस बार विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की है, तो वहीं तेजस्वी यादव ने राघोपुर से और अपने दोनों बेटों की जीत से आरजेडी के अध्यक्ष, आरजेडी के सुप्रीमो लालू यादव फिलहाल थोड़ी सी राहत ले रहे हैं। नेशन न्यूज की रिपोर्ट।